मैं पहुंच गया हूँ श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ। मैं अभी स्टेशन पर उतरा हूँ श्रवण बेलगोला रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से आपको ऑटो मिलेगा 80 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप शेयरिंग ऑटो में जाते तो मे बी 50 रुपीज़। भैया 15 रुपये सवारी, ये भैया ने मेरे को बताया है। हमने पूरा ऑटो कर लिया है, जबकि हम दो ही जने हैं, बट फिर भी हमने पूरा ऑटो कर लिया है 80 रुपीज़ में। बेस्ट ऑप्शन है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कितना किलोमीटर होगा भैया? 3.5 किलोमीटर है, और पर्वत का जो है पूरा मैं आपको व्यू थोड़ी देर में देता हूँ। ये मेरे संग है ऑटो वाले भैया जिनके संग मैं जा रहा हूँ। आप कितना सुंदर रोड मैं आपको दिखा, ये देखिए कितना सुंदर सब साफ। ये देखिए नारियल के पेड़, डैम का पानी इधर से आता है। ये डैम का पानी आता है इस रिवर से जो अभी दिखाई आपको मैंने। बाहुबली भगवान टिमकी 7 फीट है। बाहुबली बना के 1039 साल हो गया है। 981 में बना है बाहुबली भगवान। और चंद्रगिरी पर्वत में 14 मंदिर है। गांव में 10 मंदिर है, टोटल मिला के 24 और एक पर्वत 25 मंदिर टोटल हो गए। दोस्तों श्रवण बेलगोला आने के बाद आपको 25 मंदिर यहाँ पे करने हैं। पहाड़ में 24 तीर्थंकर बाहुबली भगवान, चंद्रगिरी पर्वत पर 10 मंदिर, 14 मंदिर, और नीचे आपका गांव में 10 मंदिर। अच्छा, ये तो धर्मशाला नहीं है, विद्यानंद निलय है ना? चला है, ओल्ड हो गया है वो, अच्छा रूम नहीं है, इससे अच्छा रहता है। अच्छा, लेकिन इधर कार्यालय हाँ करो भैया, इधर ही छोटा गेस्ट हाउस देता है, इधर ही ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपको उस पे तोमर जैन दर्शन कर रहे थे, इधर एक माता जी लोग हैं। अच्छा, आके मार्बल में दर्शन कर सकते, आरके मार्बल वालों का। अच्छा अच्छा, इस ऑटो में आए हम। ये विद्यानंद निलय वाला है क्या? अच्छा, आपका कौन सा है? मठ कितना दूर है यहाँ से? मठ इधर से भैया 500 मीटर होता है। 500 मीटर पास में ही है। पहाड़ 400 मीटर। तो हमें वहीं छोड़ दो ना मठ के पास। भैया रूम सब इधर ही है, दर्शन करना है तो उधर जाना है। नहीं, मठ में भी तो है रूम। नहीं भैया, उधर असम भवन है। असम भवन में एक नाइट में 800 रुपये लेते हैं, इधर कम रेट है, सेम गेस्ट हाउस है। अच्छा हाँ, ओके। कुछ तो मैं आया हूँ आवास कार्यालय पे। ये है, क्या नाम है इसका पूरा? एकोमोडेशन ऑफिस, उतना ही एकोमोडेशन ऑफिस है यहाँ पे भी बता रहे हैं। ये इनका ऑफिस है, आप यहाँ पे अपना कम रूम वगैरह बुक कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं अपना रूम कैसा है कैसा नहीं, वो देखना है हमें। सामने ही ऑफिस है और हम इधर जा रहे हैं। कुछ लोग शायद कपड़े वपड़े कुछ सुखा रहे हैं शायद। ये रिक्शा कैसा है? लगेज, लगेज।
लगेज ले जाने के लिए। अच्छा, ज्यादा अंदर तो नहीं है, सामने श्रीनिवास बड़जात्या गेस्ट हाउस। दोस्तों मैं आया हूँ श्रीनिवास बड़जात्या गेस्ट हाउस में, मेरे को रूम मिला है जो कि ये दिखाने आए हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? कुटराज है। कुटराज, कुटराज, कुटराज भैया आए हैं रूम दिखाने मुझे। कब से हो भैया आप यहाँ पर? 15 साल से भैया यहीं पे काम कर रहे हैं, तो बहुत जानकारी होगी इनको, इनसे कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं यहाँ की। वाओ, व्हाट अ रूम, वेरी नीट एंड क्लीन। देखो दोस्तों, देख रहे हो आप कितना साफ सुथरा रूम है, और नॉमिनल चार्ज है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं देना आपको। ये वॉशरूम है, वाओ, बिग वॉशरूम। गीजर है, गीजर भी है, नाइस। दोस्तों मैंने नीचे का रूम लिया है क्योंकि लगेज थोड़ा मेरे पास ज्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे का रूम ले लिया है। और कोई नहीं है? रात को बहुत आदमी रहेगा, रात को ओनली। अच्छा, ओनली रात को ही आते हैं आप लोग? लेट में आएगा तो सुबह दर्शन करने के लिए, शाम को काले करने के लिए। ओके ओके। ये पहाड़ यही है? ये बड़ा पहाड़, ये छोटा पहाड़, ये विंध्यागिरी पहाड़। ये बड़ा पहाड़ बाहुबली है ना? हाँ, इधर ही, छोटा पहाड़ इधर ही। ओके ओके, बहुत बढ़िया।